Yeah, in this video we'll talk about refraction. We are going to do a simple trick with the help of iron bangle or any chudi you can take or any kind of bangle you take. You need a empty bucket first of all for this activity, and you need a 1 rupee coin for that, right? What you got to do is, first of all we will do this activity in air, then after that we will do this activity with water also, okay? Whenever you are doing this activity in air, that is reflection, because the medium is same. You know reflection, bending back of light ray when it travels from, when it strikes a hard surface and it gets reflected back. पर बेटा रिफ्रैक्शन में ध्यान रखना, दो मीडियम हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम कॉइन को कोशिश करेंगे. मुझे पता है ये बाउंस बैक करेगा, पर आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगेगा मैं ट्राई कर रहा हूँ तो मैं जानबूझ के उसी में डाल रहा हूँ. मुझे पता है ये कॉइन को देखो, ये बाउंस बैक करके माना बाहर गिर जाएगा, पर आपके 2-3 ट्राई के बाद ये इसी के अंदर आ जाएगा. मानते हो? आप खुद भी ट्राई कर सकते हो. लेकिन एयर में तो ये एक्टिविटी करना काफ़ी आसान है. हमने क्या करना है, कॉइन को हमें गिराना है. किसके अंदर गिराना है? बैंगल के अंदर गिराना है. ठीक है, आप खुद करो बेटा, लो. ठीक है, थोड़ा नीचे से गिराओगे क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक करेगा. और ट्राई करो. अब आप खुद देखना, आप एयर में ऐसे बारी बारी ट्राई करोगे. और ट्राई करो, डोंट वरी, आराम से गिराओ. जितना आराम से गिराओगे उतना वो यस. तो तीसरी अटेम्प्ट में तनिष ने बैंगल के अंदर जो है कॉइन को गिरा दिया, राइट. अब सेम हम तनिष को चांसेस देंगे. मैं अपनी तरफ से इसे 5 चांसेस दे रहा हूँ कि ये किसी भी एंगल से गिरा ले और हम चेक करेंगे. मैं नहीं कर रहा हूँ एक्टिविटी की आपको लगे सर कोई ट्रिक कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. मेरी कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल सी साइंस है, रिफ्रैक्शन का फंडा है. ठीक है, अभी हम यही सेम एक्टिविटी अब हम ट्राई करेंगे. इस बकेट में पूरा पानी भरेंगे, फिर ट्राई करेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम एक्टिविटी. वाटर इज फिल्ड इन द बकेट. अभी तो हमने हाफ फिल किया या लैपटॉप वगैरह पड़ा है, पर आप चाहें तो बकेट पूरी भर लेना. वैसे ही बैंगल को नीचे रख देना. सेम हमारे पास 2 कंटेंडर है इस बार. पहला है तनिष. आइए तनिष, अब आप ट्राई कीजिए. कितनी बारी आपका जो ये कॉइन है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए. यस, पहला अटेम्प्ट फेल हो गया. देखते हैं 5 अटेम्प्ट मिले हैं आपको, पता है ना. 5 अटेम्प्ट में 3 में पिछली बार एयर में तनिष ने ट्राई किया था, चला गया था. अलग अलग एंगल से आप ट्राई कर लो. इस बार भी फेल. जैसे हाँ, जिसे लग रहा है ना, जो तनिष को गाइड कर रहा है, वो खुद भी आके ट्राई कर सकता है. देख, फोन मत गिरा दी. 3 में भी फेल हो गया. 3 में, अब 3 डिफरेंट एंगल से ट्राई किया है. ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और ऐसा नहीं है कि मैं कोई ट्राई करूँगा तो सीधा चला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. तभी मैं आप लोगों को बुला रहा हूँ. ओ, 4th अटेम्प्ट में चला गया समाओ, पर ये तनिष की ट्रिक है, वेरी गुड कि चला गया. लेकिन 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट चले लग गए. मतलब मेरा एम यहाँ पर ये प्रूव करना है कि एयर में तो आप इजीली डाल लेंगे, लेकिन सेम एक्टिविटी अगर आपको वाटर के साथ करनी पड़ेगी. वाटर एक डिफरेंट मीडियम है. रे ऑफ लाइट अगर एयर से वाटर में जाती है तो स्ट्रेट नहीं जाएगी, कभी टूवर्ड्स द नॉर्मल, कभी अवे फ्रॉम द. आप सुहानी ट्राई करेगी. आइए सुहानी, एक मिनट रुकिए. ठीक है, सुहानी पहला अटेम्प्ट तो बिल्कुल ही फेल रहा, राइट. आप देखो, एयर में जब आप ट्राई कर रहे थे सीधा उसके ऊपर रख रहे थे, एक चीज आपने नोट की, जब आप एयर में एक्टिविटी कर रहे थे तो स्ट्रेट अवे कॉइन को टॉप में रख रहे थे, ताकि आई नो ये अलग अलग अपनी ट्रिक से ट्राई कर रहे हैं, फिर भी नहीं जा रहा है. और अभी तो बकेट 3rd अटेम्प्ट भी फेल रहा है. ठीक है, कम से कम इतना तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया. फोर्थ भी फेल रहा है, अब आगे चांस नहीं है. ठीक है, कोई नहीं, थैंक यू. चलो 5 में ट्राई कर लो. जब 4 में कुछ नहीं हुआ तो 5 में कौन सा जादू हो जाएगा. 5 में भी कुछ नहीं हुआ, राइट. तो बेटा बस मैं इतना कहना चाहूँगा, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला है, कि आप एयर में तो रे ऑफ लाइट स्ट्रेट मूव कर सकती है, लेकिन वाटर में अगर आपको यही सेम एक्टिविटी करनी है तो आपको पता है, जब एयर से वाटर में जाती है तो कभी टुवर्ड्स द नॉर्मल, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब कई बच्चे इसमें अटेम्प्ट में डाल रहे हैं, उसका रीजन ये है, वो कैसे डाल रहे हैं, मैं जरा ये भी बताऊं. एक तो बकेट हमारी आधी भरी पड़ी है, नंबर 1. नंबर 2, वो पूरा हाथ जो है ऐसे अपना नीचे ले जा रहे हैं और फिर डिफरेंट एंगल ट्राई कर रहे हैं. ठीक है ना, तो वो ट्रिक्स ट्राई कर रहे हैं. पर आप एक नॉर्मल फंडा समझिए, जो मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि एयर में आप कॉइन को इजिली पुट कर लेंगे, ठीक है ना, बैंगल के अंदर.
क्योंकि वो स्ट्रेट ही ट्रैवल करेगा, एक ही मीडियम है। लेकिन अगर एयर से वाटर में कॉइन जा रहा है तो वो दो डिफरेंट मीडियम हो जाएंगे, और दो डिफरेंट मीडियम में रे ऑफ लाइट कभी भी स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करती है। अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट करती है, और डेंसर से रेयरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट करती है। थैंक यू।